दोस्तों आईपीएल 2024 का आगाज होने में अब 24 घंटे का समय शेष है। दोस्तों पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके की टीम अपने होम ग्राउंड चेम्पोंग में आरसीबी के खिलाफ खेलने उतरेगी। दोस्तों इस ओपनिंग मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेइंग 11 पर अब चर्चा हो रही है। दोस्तों पहला मुकाबला है और यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों के कप्तानों की क्या सोच रहती है। दोस्तों सीएसके के कप्तान एमएस धोनी और आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं यह तो टास्क के बाद ही पता चलेगा, मगर हम अपनी स्वाभाविक प्लेइंग 11 बताते हैं। उससे पहले यह बता दें कि सीएसके इंजरी की समस्या में जूझ रही है। वो अपने पहले या कुछ शुरुआती मैचों में बिना दो चैंपियन खिलाड़ियों के उतरेगी। देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी और क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्या सीन है? ओ क्या बात है बेटा भाई? अब मेरे दिल में कुछ यूं समा है जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। दोस्तों जैसा कि इंडियन प्रीमियर लीग का मैच तैयार है, टीमों की भी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। दोस्तों इस मैच में पहला मुकाबला शुक्रवार यानी 22 मार्च को एमएस धोनी के कप्तानी वाले सीएसके और फाफ डुप्लेसिस के कप्तानी वाले आरसीबी के बीच खेला जाएगा। दोस्तों मुकाबला चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है। दोस्तों अब यह सवाल यह है कि पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं स्वाभाविक प्लेइंग 11। दोस्तों एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम अब तक 5 बार आईपीएल का किताब अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों साल 2023 में भी इस टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा किया था। दोस्तों इसलिए मौजूदा चैंपियन भी यही टीम है। दोस्तों हालांकि इससे पहले साल 2022 में टीम 9वें नंबर पर रही थी। दोस्तों लेकिन पिछले साल टीम ने शानदार और जबरदस्त वापसी की है। टीम में इस बार डेरिन मिचेल, सचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर, समीर रिजवी और मुस्तफिर रहमान जैसे नए खिलाड़ी आए हैं दोस्तों, जिन पर टीम ने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया है। दोस्तों वहीं पिछले साल जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें से बेन स्टोक और अंबाती रायटू इस मैच में नहीं खेलेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरसीबी के बारे में। दोस्तों आरसीबी के लिए साल 2023 का आईपीएल गया 30। दोस्तों बात अगर आरसीबी की करें तो पिछले साल टीम 6ठे स्थान पर रही थी। दोस्तों यानी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहीं साल 2022 में टीम का प्रदर्शन लाजवाब था। दोस्तों टीम 3रे नंबर पर फिनिश करने में कामयाब रही थी। ये बात और है कि टीम का किताब का सपना अभी अधूरा है। दोस्तों इस बार टीम में कैमरन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, लॉकी फर्ग्यूसन, टॉम करन, यश दयाल, मयंक डागर और सुप्रीत सिंह जैसे नए खिलाड़ी दिखाई देंगे। दोस्तों पिछले साल जो खिलाड़ी खेले रहे थे उनमें से हर्षल पटेल, जोस हेजलहुड, वानिदु हसरंगा, शहजाद अहमद, डेविड विली, फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल टीम में नहीं है। दोस्तों अब सीएसके टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों सीएसके की प्लेइंग 11 में डेवन कानवे की और मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रविंद्र को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों 3रे नंबर पर अजिंक्य राणे को मौका संभव है। दोस्तों ऑलराउंडर के तौर पर डेरिन मिचेल, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा का स्थान करीब करीब पक्का सा लग रहा है। दोस्तों एमएस धोनी 6 नंबर पर या 7 नंबर आ सकते हैं। दोस्तों शार्दुल ठाकुर, दीपक चार और महेश तिजारा की भी जगह प्लेइंग 11 में करीब करीब तय दिख रही है। दोस्तों इंपैक्ट प्लेन की बात की जाए तो यह तय होगा इससे कि टीम की पहले बल्लेबाजी आती है या फिर गेंदबाजी। ऐसे में समीर रिजवी और मुस्तफिजु रहमान पर टीम दाव खेल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनली आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों आरसीबी के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कप्तान फाफ डुप्लेसिस और पूर्व कप्तान विराट कोहली सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर नजर आ सकते हैं। 3रे नंबर पर रजत पाटीदार, 4थे पर ग्लेन मैक्सवेल और इसके बाद कैमरन ग्रीन का मौका मिल सकता है। दोस्तों महिपाल नोमरोन और दिनेश कार्तिक का भी खेलना करीब करीब तय है। दोस्तों अंजारी जोसेफ, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप गेंदबाजी की कमाल भी संवार सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सीएसके की स्वाभाविक प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र ओपनिंग कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद नाम आता है अजिंक्य रहाणे, उसके बाद डेरिन मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और साधु ठाकुर, दीपक चाहर, महेश। दोस्तों सीएसके के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो इसमें 2 नाम आ सकते हैं। दोस्तों पहला नाम है समीर रिजवी और दोस्तों दूसरा का नाम है मुस्तफिजुर रहमान का। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।